अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है सर्किल। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का रेडियस बताना है। ठीक है, कि सर्किल का रेडियस क्या होता है। तो रेडियस का फार्मूला क्या होगा, आर इक्वल्स टू रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, या आर इक्वल टू रूट में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस सी, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला होता है सर्किल के रेडियस का, ये होता है आर स्क्वायर। मतलब ये जो फार्मूला ड्राइव होता है यहाँ से होता है ना, देखिए जो आर स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर हम वन एमसीक्यूज की बात करें, तो आर स्क्वायर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। ठीक है, अगर हम बोथ साइड रूट अप्लाई कर दें तो आर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। ठीक है जी, हम नेगेटिव नहीं लेंगे, मतलब वैसे तो प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द लाइन वाई इक्वल टू mx प्लस सी टचेज द सर्किल इफ वेयर सर्किल इज दिस। अब देखें, आपको एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन दी हुई है, और आपसे कह रहे हैं कि भाई ये बताएं कि अगर ये लाइन इसको टच कर रही है, इस सर्किल को, तो कौन सी कंडीशन बनेगी। ऑप्शन ए है सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वन प्लस आर स्क्वायर। ऑप्शन बी है सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। ऑप्शन सी है आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी है एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वन प्लस आर स्क्वायर। तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आपको एक सर्किल गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपको एक लाइन गिवन है, अगर हम 2 को सॉल्व करें तो एक लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लाइन को इस सर्कल में पुट कर दें, पुट 1 इन 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम, y की जगह आ जाएगा एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है जी, और इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको एज इट इज रखें 2mc x कर दें, इसको x और c को इंटरचेंज कर दिया, और ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो हमारा b किसके बराबर है, b बराबर है 2mc जो x का कोएफिशिएंट है, 2mc का स्क्वायर माइनस 4। a किसके बराबर है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c किसके बराबर है, जो कांस्टेंट है c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब देखें इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बनेगा 4 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब 4 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 4 को कॉमन निकाला और डिवाइड कर दिया 0 से, तो कुछ ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है जी, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें ताकि थोड़ा आंसर सिंपलीफाई हो जाए। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू माइनस आर स्क्वायर तो माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, प्लस का एम स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या बचा। अब अगर हम इस सी स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो कुछ ये बन जाएगा ना, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैं उधर लेके गया, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो जब हम इससे आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो है ये आपकी होगी कंडीशन। क्लियर है जी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है, द सेंटर ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब ये आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है और आपको इसका सेंटर बताना है, तो इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। अच्छा, अब आपको इक्वेशन दी हुई है, ऑप्शन MCQ जो 4 है वो देखें, द सेंटर ऑफ सर्किल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 8s। अब आपको ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरीके से, एमसीक्यू नंबर 4 में। ठीक है, आपको सर्किल की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। और आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, आपको इसका सेंटर निकालना है। देखें ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, आप इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आया और ये 0 हो गया। आप 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें सेंटर निकालना है, तो आप कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 2g इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2f इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, कंपेयर करेंगे जी और f की वैल्यू निकालेंगे, तो g की वैल्यू आ जाएगी 0, f की वैल्यू आ जाएगी 0, तो सेंटर क्या हो जाएगा 0 0। मतलब ये जो आपको सर्कल दिया हुआ है इसका सेंटर क्या होगा 8 ओरिजिन होगा या 0,0 पर होगा। ठीक है जी, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी, अब देखें एमसीक्यू 5 में आपको दिया हुआ है, MCQ 5 में आपको गिवन है द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 0,-5। ठीक है, उसका सेंटर क्या है 0,-5 एंड डायमीटर 4 यूनिट्स, और डायमीटर उसका क्या है 4 यूनिट्स है। और आपको इक्वेशन बनानी है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको निकालनी है। अब देखें 5 कैसे सॉल्व होगा, MCQ 5 में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है और सेंटर आपको गिवन है, सेंटर क्या है 0,-5, ये आपको गिवन है। और डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर क्या है 4 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो हम इससे रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 4/2, तो रेडियस हो जाएगा 4। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई तो रेडियस हो जाएगा 2, ठीक है। तो आर की क्या आ गई, टू आ गई। अब हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। वो कौन सी होती है, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये ए और बी क्या होते हैं, ये होते हैं सेंटर। तो सेंटर हमें गिवन है, ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस फाइव का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और एक्स माइनस जीरो मतलब एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई प्लस फाइव स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर। अब ये हमारी बन रही है इक्वेशन, इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो कुछ यहाँ तक गिवन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कुछ इसी तरह ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर सिक्स को देखें। एमसीक्यू सिक्स में क्या गिवन है हमें, द सर्किल हैज इट सेंटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वो सर्किल बताए जिसका सेंटर किस पर हो, वाई एक्सिस पर हो। तो एक सर्किल ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। दूसरा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, या डी क्या है, नन। तो वो बता जिसका सेंटर कहाँ पर हो, वाई एक्सिस पर हो। अब देखें अगर सेंटर वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कुछ इस फॉर्मेट की इक्वेशन बनेगी, इस टाइप की, सही है। ये जो है ये वाली इस टाइप की इक्वेशन कोई ना कोई बनेगी, ठीक है। अगर सेंटर कहाँ पर हो, वाई एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसमें वाई वाला टर्म ज़ीरो होगा। अब देखें इस सिक्स में कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्स वाला टर्म ज़ीरो है, क्योंकि हमसे सेंटर पूछ रहा है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्स वाला टर्म है, यहाँ पर क्या है, एक्स वाला टर्म जीरो है, वाई वाला टर्म मौजूद है। तो ये जो इक्वेशन होगी इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसका सेंटर होगा वाई एक्सिस पर, ठीक है जी। अब एमसीक्यू सेवन देखें। एमसीक्यू सेवन में क्या है, द सर्किल हैज इट सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अब सर्किल बताए जिसका सेंटर कहाँ पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है। द सर्किल हैज इट सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस पर होगा तो उसमें वाई वाला टर्म जीरो होगा, तो एक्स वाला टर्म मौजूद है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन इसकी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। मतलब वो ये वो सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। मतलब ये होती है ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर सेंटर एट वाई एक्सिस है तो टू जी एक्स वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटर एट एक्स एक्सिस है तो टू एफ वाई वाला टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्लियर है जी। अब आगे देखें एट में क्या है, एट में है द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल बताएं जो ओरिजिन से पास हो रही हो, क्लियर है जी। अभी आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू। अब देखें एक चीज़ याद रख लीजिए, जब भी कहें ना कि कोई इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब कुछ इस फॉर्मेट का सीन होगा। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल अगर हम एट को थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो ये होगी ना हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इसको ओरिजिन से पास करवाएं, ठीक है, पास फ्रॉम ज़ीरो ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी, मतलब सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। तो सी की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। आप सी को ऑपोजिट उठा के इस वन में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये वो इक्वेशन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और इसमें कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो एट जो क्वेश्चन है देखें, ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म है तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती जो ओरिजिन से पास हो रही हो। यही क्वेश्चन है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म है तो ये भी नहीं हो सकती। यही क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये हो सकती है। और ये क्वेश्चन इसमें कांस्टेंट टर्म है तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब ये वो एक क्वेश्चन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर 9 को देखें। द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल बता जिसका सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो, एंड रेडियस 2r इज, और उसका रेडियस क्या हो, 2r हो, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अब देखें, आपको रेडियस दिया हुआ है और एक सेंटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। सही है। अगर हम 9 को सॉल्व करें तो 9 में क्या है, आपको एक सेंटर दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। सही है, तो सेंटर उसका कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, सेंटर है 0,0 पर, एंड रेडियस 2r, और रेडियस क्या है, 2r। ठीक है, अब आप यूज़ करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो क्या होती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या होगी, 0,0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू क्या होगी, 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। तो ये वो इक्वेशन होगी जिसका सेंटर 0,0 होगा और रेडियस 2r होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है वो हमारा होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब एमसीक्यूज नंबर 10 को देखें। एमसीक्यूज 10 में हमें क्या आगे बने, द सेंटर ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल 0। आपको एक इक्वेशन दी हुई है सर्किल की, आपको इसका सेंटर निकालना है। ठीक है जी, तो देखें ये कैसे सॉल्व होगा। आपको इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरीके से, एमसीक्यूज 10 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर सेंटर निकालें, तो सेंटर कैसे निकलेगा, आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो 2g हो जाएगा माइनस 10 के इक्वल और 2f हो जाएगा 6 के इक्वल, तो g इक्वल्स टू हो जाएगा -5 और f हो जाएगा 3। ठीक है, और सेंटर क्या होता है हमारा, -g -f, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 5, -3 ये हमारा क्या है, सेंटर है इस सर्किल का, 5, -3। ठीक है जी। अब आगे देखें, एमसीक्यू 11 में क्या है, द रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0 इज़। अभी आपको सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, आपको इसका रेडियस निकालना है। क्लियर है जी। तो यही इक्वेशन है सेम जो एमसीक्यू 10 में दी हुई है, ये बिल्कुल वही इक्वेशन है। सही है, तो आपको इसका क्या निकलना है, सेंटर निकलना है। तो 10 एंड 11 में इक्वेशन क्या यूज़ की हुई है, सेम इक्वेशन यूज़ की हुई है। तो आपने g और f पहले निकाल लिए हैं। सही है, अब हम निकालेंगे c, तो c किसके बराबर हो जाएगा, 18 के, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास जो फार्मूला होता है रेडियस का, वो क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर हम रूट अप्लाई करते तो ये हो जाएगा ना, आर इक्वल्स टू रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी। अब आप अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें, जी की वैल्यू पुट करें -5, तो ये हो जाएगा 25, एफ में आप 3 पुट करें, ये हो जाएगा 9, सी में आप पुट करें तो ये हो जाएगा 18। ठीक है जी। तो आर इक्वल्स टू 25 प्लस 29 कितना होता है, ये हो जाएगा 34 माइनस 18। ठीक है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, 4। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एमसीक्यूज नंबर 12 देखें। द रेडियस ऑफ सर्किल कॉन्सेंट्रेट विद द सर्किल दिस। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सर्किल बताएं, उस सर्किल का जो इसके क्या है कॉन्सेंट्रिक है और वो सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एंड टचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखें हमें जो सर्किल गिवन है वो ये है एमसीक्यू 12 में हमें जो सर्किल गिवन है वो कुछ यूँ गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33। प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0। अब जो हमसे पूछ रहे हैं जिस सर्किल का रेडियस ठीक है वो इसके कॉन्सेंट्रिक है, तो आप इसका सेंटर निकालो, तो इसका सेंटर निकलेगा वो हो जाएगा 2g इक्वल्स टू 6, तो g आ जाएगा 3, 2f इक्वल्स टू माइनस 10 तो f आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका सेंटर होगा वो होगा माइनस g माइनस f, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5। अच्छा ये देखें फिर, तो जब भी जो ना सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को तो रेडियस इसके बराबर हो जाएगा आर इज इक्वल टू एफ के, तो हमारे एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ की वैल्यू है 5। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे क्योंकि रेडियस हमारा क्या है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस होता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू 5 आ जाएगा इसका रेडियस। इसका जो रेडियस है वो उस फॉर्म से नहीं निकलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू रूट में जी स्क्वायर या आर इक्वल टू रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसका रेडियस उससे नहीं निकलेगा क्योंकि हमें सी का पता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा है कि भाई ये जो सर्किल है वो इसके कॉन्सेंट्रिक है और टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो अगर टच करता है एक्स एक्सिस को तो आर बराबर हो जाता है एफ के, सही है एफ के, तो अगर टच करता है वाई एक्सिस को तो आर बराबर हो जाता है जी के, तो वो ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको समझिए, तो हमारा रेडियस क्या आ गया आर इक्वल्स टू 5, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर है जी। अब एमसीक्यू 13 में देखें टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैव सेम, अब अगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल है उसके पास कौन सी चीज़ सेम होती है कॉन्सेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब क्या है यहाँ से पता चल रहा है कि सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके पास कौन सी चीज़ सेम होगी, उसके पास सेम होगी सेंटर। ठीक है, तो दोनों सर्किल का सेंटर जो है वो सेम होगा। एमसीक्यू 14 में क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, अब जनरल इक्वेशन सर्किल की क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें याद है और ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यू 15 देखें द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू ओरिजिन हैज़ नो टर्म्स इन x। ठीक है, और देखें अगर कोई इक्वेशन सर्किल अगर कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल पास कर रही है ओरिजिन से तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी या कौन सा ऑप्शन सही होगा, नो टर्म इन x उसमें x का टर्म नहीं होगा, नो टर्म इन y उसमें y का टर्म नहीं होगा, या बोथ एंड भी, या नो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर कोई इक्वेशन पास करती है ओरिजिन से तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अब एमसीक्यू 16 देखें द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग इक्वेशन दिस। ठीक है, अब आपको इसके आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का आपको रेडियस भी निकालना है और इस इक्वेशन का आपको सेंटर भी निकालना है, तो ये कैसे होगा काम देखें। तो इसको मैं यहाँ पर ही करता हूँ। ठीक है जी, द गेम्स यूज नंबर 16 में क्या है द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग इक्वेशन दिस, आपको इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से ना कि 2x प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को पहले दोनों को जो है ना पॉजिटिव बनाएं, दोनों को उधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये सारे टर्म्स राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ से जो g की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2g अगर लिखें तो 2g हो जाएगा माइनस 2 के इक्वल, तो g हो जाएगा माइनस 1 के इक्वल, और f को निकालें तो f हो जाएगा माइनस 6, तो f की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, 2f हो गया -6 और f आ गया -3। सेंटर निकालें, इसका सेंटर बनेगा वो बनेगा -g -f होता है तो सेंटर आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो ये आ गया इसका सेंटर। अब आप निकालें इसका रेडियस। अब देखें g और f हमें मिल गए। c क्या होगा इसका? c होगा 1। ठीक है, इस इक्वेशन का, इस सर्कल का। तो आप रेडियस निकालें इस फार्मूले से। अब g की जगह रख दें -1 का स्क्वायर तो 1, f की जगह -3 का स्क्वायर 9, c की जगह -1 +1 कैंसिल आउट, r इक्वल टू √9 और √9 बराबर होता है 3 के। तो ये इसका आ गया रेडियस, रेडियस 3 है और सेंटर क्या है 1 3। ठीक है, तो 1 3 सेंटर है और 3 क्या है इसका रेडियस है। तो ऑप्शन ए है 16 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 3 सेंटर एंड 3 रेडियस। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अब ये देखें, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है 17, द सर्किल x² + y² - 8x + 14y + 4 = 0 टचेस। अब ये इक्वेशन किसको टच कर रही है? ठीक है, अब देखें इसमें ना तो y टर्म 0 है ना तो x का टर्म 0 है। ठीक है, अगर y का टर्म 0 होता तो हम कहते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है 17 में जो दी हुई है ये टच कर रही है x एक्सिस को, अगर y का टर्म 0 होता। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 14y नहीं होता फिर हम कहते हैं कि ये टच कर रही है x एक्सिस को। ठीक है, x एक्सिस को अगर ये नहीं होता, अगर x वाला टर्म नहीं होता तो हम कहते हैं भाई ये टच कर रही है y एक्सिस को। लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, तो ना तो ये y एक्सिस को टच करेगी ना तो ये x एक्सिस को टच करेगी। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस। ठीक है जी, अब एमसीक्यू 18 में क्या है? एरिया ऑफ सर्कल आपसे पूछ रहे हैं कि एक सर्कल दिया हुआ है आपको x² + y² + 4x + 4y + 4। ठीक है, = 0 इज़, आपको इस सर्कल की एरिया निकालनी है। ठीक है जी, अब 17 देखें। 17 में आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से, x² + y² + 4x + 4y + 4 = 0। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? πr²। ठीक है, अब हमें यहाँ से रेडियस निकालना है तो पहले 2g निकालो तो 2g हो जाएगा 4 के बराबर, g हो जाएगा 2 के बराबर, 2f आ जाएगा 4 के बराबर और f आ जाएगा 2 के बराबर, c आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो रेडियस निकलेगा इस फॉर्मूले से, g का स्क्वायर मतलब 4, f का स्क्वायर मतलब 4 और c -g होता है मतलब -4 हो जाएगा, 4 4 में कैंसिल तो r आ जाएगा √4 और इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस 2 को उठा के मतलब रेडियस आ गया 2, इस 2 को उठा के इस 1 में पुट कर दें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू πr² मतलब 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगी 4π। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चैप्टर 7 का लेक्चर यहाँ तक था। फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।